स्पोर्ट्स मैगने विच जी, मैं तुसाना मेजबान है अमर नजीब ते मारे नाल बड़े को होस्ट मौजूद है मारिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम मारिया, के हाल है तुसाना? ठीक हो? मैं ठीक है, अमर साना क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो दोस्तों स्पोर्ट्स मैग प्रोग्राम तुसा की पता कि एक असाना ये जो प्रोग्राम होना जिसमें हफ्ते भर जिहड़ियां टॉप नियां खबरां होनियां, स्पोर्ट्स नी न्यूज़ होनियां, मैचेस नी अहवाल होना या जिहड़ी भी लेटेस्ट डिवेलपमेंट होनी स्पोर्ट्स दे हवाले नाल, असा कोशिश करने आ कि अपनी मादरी जिहड़ा पोठवार नी जुबान है उस पटवारी जबान थोड़ा विच उर्दू भी बोलने हैं, नहीं कि उर्दू नहीं बोलनी, उर्दू जबान भी बोलने हैं उन्होंने भावों वास्तव है जिन्हें कि यह जबान समझ नहीं आनी, लेकिन एक बड़ा एक कम्युनिटी है पूरी पाकिस्तान है ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे जी पटवारी जबान समझने तो बोलने। तो मारिया हूँ काफ़ी सब कुछ चल रहा, वैसे मैं पहले अपने तकन आलियाँ की दस दिता कि अच्छ प्रोग्राम ने जो मेन टॉपिक्स कहे जी उस पर जिस पर अच्छा तफसीली असं गुफ्तगू कर सा। सब तो पहले जी असं गल कर स प्रोग्राम एशिया कप ने हवाले न, एशिया कप ने क्या डिवेलपमेंट चलनी पी, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है उस हवाले नाल प्रोग्राम के विच गल कर सा। उसने बाद असं गल कर सा पाकिस्तानी जी ए टीम जिसकी पाकिस्तान शाहीन भी आखने वो गई है जिम्बाबे ने टूर उपर, उत्थे मैचेस चलने पे, उसका क्या अहवाल आ। नाल पाकिस्तानी अंडर 19 टीम जी है वो बंगलादेश गई, उत्थे मैचेस चलने पे, वो हाल अहवाल तुसा शेयर कर सा। ICC की जी एनुअल रैंकिंग है वो अपडेट हुई गई, उस पाकिस्तान केड़े नंबर उपर स्टैंड करना, केड़े पाकिस्तानी टॉप रैंकिंग मौजूद है वो भी अच अस गल कर सा। तो नाल असा होर भी कुछ खबर आई जो प्रोग्राम ने अच हिस्सा हो सन उन्होंने पर तफसीली गुफ्तगु हो सी। असा नाल मारिया मौजूद है। मारिया ओवरऑल जी स्पोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा तुम आखने पे हो कि ठीक है एक बड़ी एक सीरीज़ एंड हुई, पाकिस्तान न्यूजीलैंड नाल खेड़िया एंड जो रिजल्ट थोड़ा T20 सीरीज जिस वेल्ले खत्म हुई सी असं थोड़ा नाराज सी शायकी ने क्रिकेट भी कि जी दो जो लास्ट मैच जिस तरह पाकिस्तान हारिया सा उस काफ़ी ज़्यादा लोग नाराजगी नज़ार भी किया, लेकिन वनडे सीरीज विच मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा कम बैक किया पाकिस्तान। बिल्कुल अहमद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम असा पिछले कुछ अरसे पाकिस्तान टीम वनडे भी जड़ा काफ़ी ज़्यादा सीरीज उन्हें अपने नाम भी कीतियाँ। T20 सीरीज इस तरह इसकी भी असा ना आखी सकने कि जड़ा वन साइडेड न्यूजीलैंड जीती सी लाहौर जड़ा वो आखिरी मैच जड़ा शाहीन के अपर भेजी छोड़ा ने असा भी नाराज से हाँ, इफ्तखार मैच बनाया लेकिन त्रै बालों पर पांच स्कोर आखिरी ओवर पाकिस्तान टीम नहीं करी सकी। वो भी मैच उस बाद पिंडी वाला एक मैच बारिश ने नज़र होया तो आखिरी मैच जड़ा वो पाकिस्तान आ रहा। मैं हमेशा ये गल तुसा नाल भी ये गल होनी सी स्टेडियम में भी कि आखिरी मैच तक गल नहीं गसनी चाहिए, जिसल आखिरी मैच पर गल गसनी तो पाकिस्तान हमेशा जड़ा उन्नी भी होई गसना होना, तो पाकिस्तान की आखिरी मैच तक गल नहीं गसनी चाहिए। लेकिन चंगा यह होया कि जब वनडे आए तो वनडे में लगातार मैचेस जड़ा जीती पाकिस्तान टीम और आखिरी मैच थोड़ा बहुत जड़ा पाकिस्तान टीम आ रही, लेकिन वो भी मैच जड़ा इतना नहीं था। एक इशू थोड़ा या बड़ा टॉपिक बड़ा हॉट सा लास्ट प्रोग्राम में मैं तुसा की पूछना चाहता कि तुसा लास्ट प्रोग्राम में तो शायद वो गलना की उसी क्योंकि उस पहले पांचवां वनडे नहीं होया सा मेरा ख्याल है ना, तो बड़ी लोगों गल की जी जरा कॉन्ट्रोवर्सी छोटी जी बनी सी ड्यूरिंग द वनडे सीरीज इमामुल हक शान मसूद की इंकलूजन इमामुल हक की एक्सकलूजन उस उपर, तो बहुत सारे असल मैं हूँ K2TV ने प्लेटफॉर्म उपर कैटेगोरिकली आखसा कि असा बहुत सारे एक दूए उपर इल्ज़ाम देने हैं, लेकिन इस विच एक कसूर असा ना अपना भी है। मैं स्पोर्ट्स की बरादरी नहीं गल करना पे हमारी जो असा की भी अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, जरूरत है। असा ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म उपर तुसा देखो जी सोशल मीडिया उपर डिस्कशन होनी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कोई एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक तादाद है जी एक साइड ने प्लेयर नहीं हम प्रमोशन करनी रहनी है दुए की बुरा बलाक नहीं, दुई साइड है वो अपने प्लेयर के शहर ने प्लेयर की प्रमोट करनी दुए के बुरा बलाक नहीं। हालांकि बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असा नहीं ये ड्यूटी होनी है या स्पोर्ट्स ने जो प्रोग्राम करने रिपोर्टर होने एनालिस्ट होने के वो बिल्कुल पूरा पाकिस्तान असान है सारे प्लेयर असान है असा की एक न्यूट्रल परस्पेक्टिव लोगों ने सामने शेयर करना चाहिए। अच्छा हूँ ये चीज़ जहन च रखने एक इशू बना दिता गया कि जी इमाम आखिरी वनडे दो मैच क्यों बैठे, तो सा तको कि जी दुनिया ने तरक्की याफ्ता कंट्रीज है क्रिकेट च वो अक्सर मेन सीरीज च अपने नए प्लेयर की ट्राई करने वास्ते प्रॉपर परमानेंट प्लेयर की पूरी पूरी सीरीज च ईवन पूरे टूर भी चांस नहीं देने कि यार असा नवे प्लेयर ट्राई करें सीरीज च असा नवे प्लेयर की मौका दे सकें कि जो परमानेंट प्लेयर होना उसकी जगह सिक्योर होनी है, नए किस तरह ट्राई किया जाना बाकी उस सीरीज ने बाद परमानेंट प्लेयर अपनी जगह पर वापस आ रहा है। इस सीरीज ने विच भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट एक कोशिश की कि भाई असा हर पॉसिबल कंबीनेशन वनडे सीरीज ने विच भी असा करके तकिया है कि भाई असाने बाकी जो प्लेयर है वो क्या परफॉर्म करने कैस उन्होंने कैपेबिलिटी ताकि उनकी बाद फैसला करना है ये आसानी हो सी कि असानी फर्स्ट चॉइस 11 के 11 हो सन उसके बाद सेकंड चॉइस के हो सन ठीक हो गया। इसी पॉलिसी ने तहत देखा कि डिफरेंट मैचेस डिफरेंट फास्ट बॉलर खेलने रहे डिफरेंट मैचेस डिफरेंट स्पिनर्स ने कॉम्बिनेशन खेलने रहे वनडे सीरीज, तो इसे तरह इमामुल हक दो मैचेस नहीं खेले उस सब खैर हर सोर्स अपना जराया शेयर करना कि एक आना कहे भाई इस वजह से ड्रॉप हुआ दूसरा आना कि नहीं भाई इस वजह से ड्रॉप हुआ जड़ी भी वजह हो अगर दो मैच इमामुल हक की ना खिलाया गया
तो उसमें शान मसूद की मौका दिता गया ये चेक करने वास्ते कि शान किस तरह परफॉर्म करने अगर उन्होंने ओपनिंग की मौका दिता जाए तो एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि शान मसूद सारा साल डोमेस्टिक परफॉर्म करी है वो ये जो प्लेयर ने कि तुसा किसी की बतनी फ्रॉम आउट ऑफ द न्यू वेयर किसे मतलब सिफारिश ऊपर तुसा किसी प्लेयर की या वो प्लेयर जिसने बनना ही नहीं था तो उसकी चांस देता ठीक है दो मैचेस देते लेकिन अमर माड़े पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने यह गल की थी कि इमाम की ड्रॉप किया गया जड़ी फोर्थ वनडे से पहले बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कि उन्हें की जड़ा इंजरी है निगल है हल्की जिसने वजह से इमाम जड़ा ड्रॉप है और शान खेड़ सन उस बाद बड़े लोग आख्या जी बाबर एक गल आखी लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें नाल खुश नहीं है अगर टीम मैनेजमेंट इमाम नाल खुश नहीं सी तुसां की भी पता पहले दो वनडे जड़े पिंडी खेडे गए विकेट या जिसने पर स्कोर हो सकना था इमाम उसने पर स्कोर नहीं किया अगर उन्हें ड्रॉप करना होना टीम मैनेजमेंट ने तो ड्रॉप करी छोड़ा है और दूसरा मारिया मारे गल है कि एक नॉन इशू की इशू बनाया दुनिया तक सारे प्लेयर की रेस्ट कराया जाना कि भाई ऐसा नवे यंगस्टर की चांस देना है ठीक है शान यंगस्टर नहीं लेकिन बैकअप ओपनर तो सामने शान ही है जो इमाम ना है फर्स्ट चॉइस भी इमाम ही रहना था जे दो मैचेस शान की चांस देता एक विच वो डिसेंट खेड़े एक विच नहीं खेड़ी सकया ते अपना इस विच कोई मजाक वाली गल नहीं ये नॉर्मल रूटीन ऐसा है लेकिन ऐसा ये देखो ना ये इतना ऐसा ना प्रॉब्लम मैनेजिंग पहले आखने के जी आप चांस नहीं देते बेंच को चांस नहीं देते आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते आप डरते हैं जिस वाले एक्सपेरिमेंट करो ओ हो आपने फिक्स ओपनर को सेटल ओपनर को ड्रॉप कर दिया इस तरह देखो असा की अगर चाहने अगर दुनिया ने नंबर वन टीम बनना नंबर वन की वो हौसला भी चाहिए ना वो बर्दाश्त भी चाहिए नहीं तो स्पेशली मैं आखा इमामुल हक जो ट्वीट किया बिल्कुल गैर मुनासिब देखो प्लेयर ने शिकवा हो सकना अगर तुम की शिकवा है तो अपने टीम मैनेजमेंट की अंदर अंदरूने खाना डिस्कस करो कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं फील करना पाया ड्रॉप आखिर दो मैच ड्रॉप करने पे और रेस्ट देने पे हो लेकिन ओवरऑल ट्वीट करके करके ये तरीका ठीक नहीं था मैं वो भी सोर्स में पता है इमामुल हक के कितने कितने खबर आउट होनी है खैर वो गल निकलती ऊपर और तरह निकल जैसे असना बेसिकली प्रोग्राम ना ये मकसद नहीं है लेकिन कहना मकसद देवे कि ये तरीका नहीं है लेकिन अमर माड़े की एक बड़ी चंगी गल लगी जिसल बाबर तुम्हें पता मैच सुबह जल बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो आए तो उन्हें सारे उन्होंने को गल की इमाम ट्वीट किया इमाम ट्वीट किया बाबर आखे कि ये एक फैमिली है असा कोशिश करने कि असा सड़ी जड़ी भी गल होवे असा उसकी टीम ने अंदर सॉल्व करने असा बाहर ना आने उस बाद फिर तुम्हें पता एक साफ ही ट्वीट करना कि टीम के मफाद की बात है इसलिए जो है वो इमाम ने क्यों ट्वीट किया था ये खबर जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए तो मुझे लगना कि अगर कप्तान एक बार आखी छोड़ा है कि असा टीम ने गल अंदर रखने है इमाम की पूरी स्टोरी या जो भी जिस भी सोर्स है उन्होंने पूरी स्टोरी अगर है ही है या जो कुछ भी आई है उसमें शेयर करने की जरूरत कोई नहीं सी बिल्कुल जरूरत नहीं सी खैर वापस आने जी इस सीरीज ने क्या असा क्या हासिल किया क्या खोया मैं थोड़ा जहा एक जनरल डिस्कशन ये भी कि पाकिस्तान असा हकीकत ना चेहरा भी रखना चाहिए ठीक है जी अजय रैंकिंग ने वाले नाल तफसीली गलत है असा बाद कर सा प्रोग्राम में अगर गचित है लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान नंबर वन रैंक बनया टीम बनी नो डाउट पाकिस्तान नंबर वन रैंक टीम बनी इस विच असा अगर न्यूट्रल परस्पेक्टिव नाल देखिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की क्योंकि पाकिस्तान तारीख ने विच वनडे क्रिकेट जदों भी वनडे रैंकिंग काउंट होना शुरू हुई है पाकिस्तान नंबर वन वनडे च नहीं बनया उसको पहले टी ट्वेंटी रही सकया टेस्ट क्रिकेट रही चुकया लेकिन वनडे च नहीं बनया तो अचीवमेंट काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है लेकिन अगर तुम ये न्यूट्रल परस्पेक्टिव नाल देखो रैंकिंग कदे कदे तुम थोड़ी डिच भी करनी यानी कि अगर तुम न्यूट्रल परस्पेक्टिव नाल देखो कि क्या पाकिस्तान दुनिया की नंबर वन टीम वनडे क्रिकेट में है बड़ा ख्याल है तो उस वास्तव जेनवन नंबर वन टीम बनाने कि तुम ऑन ग्राउंड भी आखिया उस भी थोड़ी होर मेहनत की जरूरत उसकी वजह ये कि तुम देखो कि असानी फास्ट बॉलिंग भी असाने बॉलिंग डिपार्टमेंट भी स्टार्ट विच भी अच्छा करना अक्सर एंड विच भी काफी अच्छा डेथ ओवर कम बैक करना असाना प्रॉब्लमैटिक एरिया वनडे क्रिकेट मिडल फेज है इस तरह देखो मिडल फेज जितने आपको बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत असा विकेट नहीं गिन पा रहे ना बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग करने पे इतनी आउटस्टैंडिंग कप्तानी भी नहीं नजर आई मिडल फेज ने ये जी असानी प्रोग्रेस भी ओवरऑल जी परफॉर्मेंस है न्यू पार्टनरशिप लगनी रही असा की मिडल फेज प्रॉब्लम आना पाया तो उत्थे असा इंप्रूव करना लेकिन अमर माड़ा तुसा कोल एक क्वेश्चन टी ट्वेंटी बाद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुसा आख्या कि तुसा आपकी बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आई वनडे सु बाद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तुसें पसंद आई सी बेहतर सी देखो मेरा ख्याल है कि ये आई डोंट नो कि पीसीबी उन्हें की गाइडलाइन देना या कौन देना मेरा माड़ा कहने का पॉइंट यह है कि बाबर आजम की ग्रोथ रुकनी पे एज अ कैप्टन यानी तुसा नहीं उसकी ग्रोथ करनी जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी गुफ्तगू कर रहे हैं या दुनिया ने ये जो कप्तान जो बड़े जबरदस्त होने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने महसूस होना कि स्क्रिप्टेड आंसर है यानी कोई पांच छह सात आठ आंसर मैं याद हो गए कि
हमारे बॉयज हैं, हम उनको बैक करेंगे, मेरा प्लेयर है ये वापस परफॉर्म करेगा, पहले भी कर रहा था, टीम यूनाइटेड है, हम कर रहे हैं, हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। क्रिकेटिंग डिस्कशन कार्टूनी, फॉर एग्जांपल तुम एक मैच आ रहे हो, तुम कोई सवाल कर रहे थे उस पर एक डिस्कशन बैक है, जी आज हमने फील्डिंग अच्छी नहीं की, या आज हम उस बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे वो हमसे नहीं हो रही थी, मैं शॉट खेलने की कोशिश करते रहेंगे विकेट बॉल, लेकिन क्रिकेट नहीं जुबान जिसकी जवाब आपने वो बहुत कार्टून है। मेरा कहना मकसद है कि बाबर आजम असा बाबर आजम की इस स्टेप तू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गल करने उसकी एक इथे देखना चाहने हैं, असा बाबर आजम के ऊपर देखना चाहने हैं, लाइक जी के वो फील्ड जितना अच्छा बैट्समैन है उतना अच्छा है गुफ्तगू भी करें, समझो असा ये चाहने हैं कि बाबर और तरक्की करे, इस हफ्ते से पुश करने हैं बाबर आजम की और तुसा ये जी इंटरेक्टिव जबरदस्त तुसानी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तुसानी ना याद रहे, मैंने अगले की पहले ना पता लगा कि यार ये मैं सवाल कर सकता ये जे वो पांच छह जुमले, तो मैं चाहना बाबर आजम इतने भी बहुत ज्यादा ग्रो करें जिस तरह बैटिंग की जो स्कोर कर बिल्कुल। और अहमर मड़े की लगना है कि जो क्वेश्चन हुआ सा जी वनडे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिगी थोड़ी सी डिफरेंस इस तरह लगी कि बाबर आजम कुलदीप पूछा रिजवान इधर आके ये बोल के उस बड़ा कैटेगोरिकली आख्या उसने मतलब उसना होया, लेकिन जिठा असा फैसला कर सा मैं या कोचिंग स्टाफ उठा उसकी खेलना चाहिए, फिर कुछ रैंकिंग गल की उसने पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इमाम ने पर भी गल की, मतलब कोई ऐसे टॉपिक से आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाबर आजम उन्होंने काफ़ी इंप्रूव्ड काफ़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू की, मड़ा कि उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी पसंद आई। बिल्कुल ठीक। अच्छा थोड़ा एक और एक गल भी है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो टीम है उसने कुछ इशूज जड़े ने सॉर्ट आउट होने नजर आने, जिस तरह इस सीरीज की जिन्हें कि थोड़ी जी आइडिया होया कि आगा सलमान की थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए ना, क्योंकि नंबर छह पर खिलाने पे उन्होंने नेचुरली सूटेड पोजीशन नहीं है क्योंकि वो स्पिनर की बेहतर खेलने तो उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, बाकी यह है कि एक मैच है मोहम्मद हारिस के चांस देता, उन्होंने लेट ऑर्डर अच्छी बड़ी अच्छी हिटिंग की, पंजवा वनडे मैं ज्यादा तौर पर चाहना सा कि पंजे वनडे हारिस की वापस मौका दे और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, दो मैच होना कि तुसा नहीं ना कि और अच्छा आइडिया होना कि अच्छा पहले मैच किया दूसरे मैच देखने किया जब परफॉर्म करना, ओवरऑल इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट बहुत जबरदस्त। अच्छा मैं एक गल करसा कि शान मसूद ऊपर ना एक खास तबका बहुत तनकीद करना सा कि जी ये तो बस डोमेस्टिक के प्लेयर हैं ए इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकते, मैं एक व्यूअर्स नहीं थोड़ी याद दहानी आस्ते एक छोटी जी चीज डिस्कस करना चाहता कि तको सब तो मुश्किल क्रिकेट जरा होनी है ना वो टेस्ट क्रिकेट होनी है, स्किल वाइज सब तो टफेस्ट क्रिकेट जितने परफॉर्म करना सब तो मुश्किल होना है टेस्ट क्रिकेट होनी, ठीक है। पाकिस्तान गालबन अगर मैं गलत नहीं है 2018 में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ने दौरा किया तो सारे बैट्समैन सिर्फ एक बाबर आजम की छोड़ी थी जिन्होंने जंपा लगनी पेस है क्योंकि साउथ अफ्रीका में टेस्ट जो वेन्यू होने अक्सर बाउंस बहुत ज्यादा होना पेस ज्यादा होनी तो अपना जो उन्होंने बॉलर से अपना उन्होंने नाम ओलिवियर जो उन्होंने बॉलर से उन्होंने बहुत तंग किया उसने बैट्समैन शान मसूद उतने अच्छी उन्होंने की फ्रॉम नो वेयर एक चांस पे लिया शान मसूद ब्रिलियंट परफॉर्म किया उस मुश्किल पिचर्स ऊपर उसने बाद तुम जाने हो जनाबी अली इंग्लैंड सॉरी इंग्लैंड ने पूरी काउंटी सीजन परफॉर्म किया काउंटी बड़ी टफ कंडीशन भी होने परफॉर्म करना आसान नहीं होना फिर तुम जाने T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया मुश्किल सरफेस बाउंस ज्यादा उधर तुमने हाईएस्ट रन स्कोरर शान मसूद ठीक है वो टीम ने तुम्हें पता उसको पहले रेगुलर मेंबर नहीं से उन्हें फिर मौका दिया गया तो वो वर्ल्ड कप उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और स्पेसिफिकली इंडिया वाला मैच तुम्हें याद हो बेशक उन्हें नहीं वो 150 जड़ाई है वो बड़ी स्लो स्लो सी लेकिन उस काफी पाकिस्तान टीम की बेस प्रोवाइड की थी चांस मिले परफॉर्म करने हो कद नहीं करने हो मड़ा ख्याल है कि पंजे मंडे एक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकिन बहरहाल यह कहना कि प्लेयर मेन यह कहना ज्यादती वाली गल है। खैर बहरहाल इस उपर मजीद भी डिस्कस मारिया कर सा इस वेला तुसां की ए भी बहुत सारे जो क्रिकेट या स्पोर्ट्स है फॉलोअर है डेफिनेटली बड़ी फॉलो करने क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की उन्हें की पता कि पाकिस्तानी जी ए टीम है वो जिम्बाबे गई। अच्छा मैं इस तो पहले कि मैं असा एक कुछ उस वाले गल करी है उसने कोई फुटेज भी शेयर करी है मैं छोटी जी एक ना एक गल करना चाहना इस प्रोग्राम के ये जिम्बाबे पाकिस्तानी टूर ए टूर ने टीम गई अच्छी गल है कि ए टूर नहीं होने पैसे उन्होंने पाकिस्तान अरेंज किया लेकिन पाकिस्तानी टीम जिम्बाबे गई तो जिम्बाबे ने भी ए नाल खेलनी पई इस असा ने प्लेयर का कोई फायदा नहीं मैं कैटेगोरिकली तुम क्या एक हकीकत ना एक चीज ना तुम सामने रखना चाहना है उसकी वजह मारिया है ये असा ने बड़े टैलेंटेड प्लेयर है साउथ चकी गल करना पे आमिर जमाल हो गए तुसाने उमर बिन यूसुफ हो गए मेहरान मुमताज हो गए जितने भी यंगस्टर खेलने बड़े टॉप लेवल ने क्वालिटी ने प्लेयर है उन्होंने क्वालिटी ने प्लेयर
ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾਣੀ ਯਾਨੀ 150 200 ਹੀ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪੋ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾ ਇਸ ਫਾਇਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਨੇ ਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਸਟ ਟੀਮਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਅਰ ਐਪਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਬਣਾ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋਰ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮ ਕਰਾਈ ਸਕਨੇ ਸੀ ਖੈਰ ਬਰਕ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਸਨ ਰਨਸ ਜੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਅਪ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਖੈਰ ਬਰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸਨੀ ਜਰਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਹੈ ਉਸਕੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣੇ ਪਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਰੈਰਾ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਲਾਵਾ ਉਮੈਰ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ ਕਾਸਿਮ ਅਕਰਮ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਰੀ ਪਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ ਮਹਿਰਾਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦਹਾਨੀ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਟੀਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ 163 ਰਨ ਉੱਪਰ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਾ 66 ਸਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜੀ ਤਿਦੀ ਵਾਂਸ਼ੇ ਮਰੂਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ 50 ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਜੀ ਡਿਓਨ ਮਾਇਰਸ ਇਹਨਾਂ 50 ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖਾਤਰ ਖਾ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸਕਿਆ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਣੀ ਆ ਮਾਰੀ ਉਸ ਸੰਗੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਕ ਬੋਲਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਬਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਮਹਿਰਾਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸਪਿਨਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਸਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 428 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਰੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੁਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ 64 ਰਨ ਬਣਾਏ 27 ਰਨ ਬਣਾਏ ਇਮਰਾਨ ਬਟ 65 ਰਨ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੈਰ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਬਣਾਏ 2 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ 74 ਰਨਸ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ ਖੇਡੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸਿਮ ਅਕਰਮ 36 ਬਣਾਏ ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਖਾਨ 86 ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾਟ ਆਊਟ ਸੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ 35 ਰਨਸ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲੀ ਤੇ ਮਹਿਰਾਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ 12 ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨਾਟ ਆਊਟ ਸੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਿਕਟੋਰ ਨਯੂਚੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਨਕ ਚਿਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਤੱਕੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਆਈ ਡਿਓਨ ਮੇਅਰਸ ਤੇ ਰੋਏ ਕਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤਿਆਲ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੜਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਟੂਰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਰਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੂਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਨੇਬਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੂਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਨੋ ਕਿ ਬੜੇ ਜਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਤਕ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮ ਚਾੜੀ ਸੱਟ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੇ ਆਉਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੇਕਿਨ ਐਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੇ ਪਰਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਚਲੋ ਇਹ ਟੂਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਖੇਡਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੀਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰਸ ਕੀ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਹੰਕ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਚਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਟੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਏ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਏ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਮੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਏ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੋ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲੀ ਕਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਕਿੱਛ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਟੀਮ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਚਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕੌਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਟੂਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਵਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਲੇਅਰ ਕੀ ਅਜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ
कि असं मजीद गल भी कर सा लेकिन ये कि पाकिस्तान की जी अंडर 19 टीम हमारी है वो बांग्लादेश की है तो उत्ते काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाकिस्तान अंडर 19 टीम ओवरऑल अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए। आज एक मैच हुआ उस पाकिस्तान की टीम की जरूर अंडर 19 टीम की शिकस्त हुई लेकिन ये है कि उस ओवरऑल असानी जी है ना प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं थोड़ा स्कोर कार्ड जरूर मैं तकन आया ना शेयर कर सा जिस पाकिस्तान अंडर 19 टीम अच जो 2020 मैच था उस 154 रन स्कोर किए तो बांग्लादेश अंडर 19 टीम 155 स्कोर यानी वो हदफ हासिल किया 6 विकटा ने नुकसान उपर तो 4 विकटा तो मैच जितया। पाकिस्तान अंडर 19 की तरफा जी 35 रन स्कोर किए कप्तान साद बेग तो इसने अलावा 28 रन बनाए अरफात मीना 27 रन किए अली असमन तो यह टोटल जरा जी इस तोड़ पहुंचे जी तो इस हवाले जी मजीद डिस्कशन ये कि बॉलिंग की गल की जाए तो रोहनाथ दोला बोरसन इन त्रै विकटा कितनी तुम बंग्लादेश जिम्बावे ने जानने सो ना मुश्किल तो इसने अलावा जी इकबाल हुसैन इमोन इन त्रै विकटा कितिया 2 विकटा कितिया जी परवेज रहमान जिबून ने तो 1 विकेट की दी जी जिशान आलम ये जिबू इन्होंने तरफ जिबून उन्हें जिन्हें पता नहीं पाकिस्तानी जदून उन्हें तो खैर बरल जवाब जिम्बावे ने बंग्लादेश अंडर 19 की जगह प्रोग्रेस तक किया उन्होंने बैटिंग तरफ जो बैट्समैन उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन थे आदिल बिन सिद्दीक इन्हें 36 स्कोर किए 21 स्कोर माजारुल इस्लाम किए जिशन इस्लाम आलम जड़े ने उन्हें 12 स्कोर किए तो बरल ये टारगेट जरा उन्होंने विच हेल्प की अहरार अमीन जो उन्होंने कप्तान है उन्हें भी ठीक स्कोर किया तो ओवरऑल 156 रन का टारगेट सा उन्होंने अचीव किया जी। इस जो बॉलिंग की गल की जाए तो इमल खान 2 विकटा कि 7 ओवर 36 रन दी है तो इसने अलावा आमिर हसन इन्हें 1 विकेट की दी 1 विकेट की दी अली असवंत 1 विकेट अराफात मिनास ने इससे चाहिए तो मैं एक करेक्शन चाहना जी T20 नहीं 50 ओवर मैच सा करेक्शन चाहना जी 50 ओवर मैच सा T20 नहीं सा थोड़ा कम स्कोर है अपना तो नाल आज ने मैच विच थोड़ा लो स्कोरिंग मैच अक्सर हम तकिया के जिम्बाब्वे लो स्कोरिंग पिचेस भी होनी है बांग्लादेश हां बांग्लादेश तो खैर बरल असा तकने जी जे पाकिस्तान अंडर 19 ने कैप्टन है साद बेग उना पिच ने वाले नाल मैच ने वाले ने अपने तासरात ने इजहार किया थोड़ी वीडियो तकने पर वापस आ गया जी बिल्कुल पिच थोड़ा मुश्किल अच्छा होना है ना लोग तकड़ा चाहने के प्लेयर एक ऑन द फील्ड एक खेलना होना जी ऑफ द फील्ड ओके खेलना इस पे क्या गुफ्तगु करना मारिया बिल्कुल अगर पंजाबी थोड़ी ये वाली समझ आई बिल्कुल अहमर उस बाद ना वो भी आ गया ना कि फखर जमान जड़ाया होना कि वो दम पुख्त जड़ा वो भी खिलाया तो सारे अंग्रेज न्यूजीलैंड ने प्लेयर से उन्हें सारे कि वो पसंद आया और इस पर के पिछला लास्ट टाइम है सिर्फ कराची आए से दफा इस्लामाबाद लाहौर सारे छोटी सी गल भी याद आई ना वो एक लतीफा जिहा भी है कि एक बंदे ने जो इस तरह दम पुख्त बनाने वास्ते ना जो एक होना ना वो जो एक जानवर होना उसने उसकी पेट चावल भरने तो उसकी ना एक होना कि कई लोग उसकी ना जमीन खड्डा खोदी ना उसने बिच रखने के अपना ताकि पकी गचा ना उसका हीट देने उन्हें खड्डा खोदी तो बिच रखिया तो थलू कोई अपना शायद थलू लै गई तो खैर बड़ा लग ऑन द लाइटर नोट गुफ्तगु सी बड़ा फूड तो टेस्ट ने वाले नाल भी क्योंकि जरा पिछला पंजाबी बैकग्राउंड सा इन्होंने भी सॉरी ना तो अपना इन्होंने डेफिनेटली कराएं अपनी पंजाबी डिशेज बननी है तो वो अपने आप के रिलेट करी सकने उस टेस्ट उस कल्चर ना बिल्कुल और जेडे सारे प्लेयर्स है वैसे भी उन्होंने कि वो स्पेसिफिकली है जी चीज़ा जड़ा वो ज़्यादा खाने गोश्त और इस तरह की चीज़ा लेकिन दम पुख्त जड़ा वो पिशावर जलमी में शुरू किया था उस बाद सारे प्लेयर्स जड़ा जेडे बाहर ने प्लेयर हसने वो खाने और उन्होंने वो पसंद हसने ये भी फिर मतलब एक कल्चर ना हिस्सा है पाकिस्तान में एक थोड़ी मजाका खेस गल भी जहन चाहनी कि क्या अच्छा वह कि डेरन सैमी जाके ना अपने वेस्ट इंडीज उत ब्रांच खोला है कि जी नली बिरयानी डेरन सैमी नली बिरयानी इधर उन्होंने खाना इतना वक्त गुजारने खैर बहरहाल यह डिस्कशन तो थोड़ा लाइटर नोट पर नाल चलनी सी क्रिकेट नाल थोड़ा जहा प्लेयर ने एक्सपीरियंस भी शेयर करने से इंटरव्यू भी तकने स्वागत सलमान ते सॉडी ना मूविंग फॉरवर्ड अस गल कर सी ओवरऑल जी पाकिस्तानी रैंकिंग है रैंकिंग की क्या सिचुएशन है जी रैंकिंग ने सूरतयाल रही कि पाकिस्तान नंबर 1 रैंक पर आया जिस वेला पाकिस्तान 4-0 किया सा वनडे सीरीज जिस न्यूजीलैंड की उसने बाद नंबर 1 रैंक पाकिस्तान पहली बार इस रैंकिंग विच वनडे क्रिकेट इस नंबर 1 ऊपर आया फिर तकरीबन एक दिन आपको 48 घंटे आपको उसके बाद लास्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीती सकिया तो वो वापस रैंकिंग हो गई फिर कल जो पाकिस्तान वापस नंबर 1 रैंक ऊपर आया था लेकिन जी एनुअल अपडेट होनी ICC ने पूरे साल ना जी कैलकुलेशन होने बाद जो ICC शेयर करना उस एनुअल रैंकिंग के बाद पाकिस्तान हूँ सैकेंड रैंक ऊपर है नंबर 1 रैंक ऊपर जो तकने पे हो पता है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मौजूद है जी मैं अगर गलत नहीं आता बिल्कुल अपना ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 रैंक ऊपर मौजूद है खैर बहरहाल बड़ा ही ख्याल है हमारे यहाँ
कि रैंकिंग जड़ी है ना अपनी सानी रैंकिंग नहीं परवाह नहीं करनी चाहिए। सो अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करो, अच्छी क्रिकेट खेल सो तो ऑटोमेटिकली रैंकिंग सानी इंप्रूव होगी। जिस तरह अगर देखिए टी ट्वेंटी दूसरे त्रीय नंबर पर रिजवान तो बाबर आजम है, अगर प्लेयर की गल करिए वनडे क्रिकेट की गल करिए तो वनडे क्रिकेट बाबर आजम नंबर वन है, त्री और चौथे नंबर पर फखर तैमाम है। असने टॉप प्लेयर यानी इसका मतलब है कि असने एक प्लेयर परफॉर्म करने पे ये है कि अगर थोड़ा जहाँ असं लोअर ऑर्डर सपोर्ट मिला है स्पिनर थोड़ा होर जरा कंट्रीब्यूट करें तो बड़ा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम ने नजर आना पे रैंकिंग विच के वो गए प्रोग्रेस कर तो आप रैंकिंग ने ऊपर बिल्कुल अहमर जैसे आख्या कि 48 आवर्स में पाकिस्तान टीम जोड़ा या नंबर वन पर आई उसने पर भी तुम्हें पता कि काफ़ी ज़्यादा इसने पर भी गलबात हुई कि सिर्फ 48 आवर वास्ते हुई पाकिस्तान टीम और वापस जोड़ाया वापस आ गए थर्ड पोजीशन पर। फिर उस बाद कल खबरें ये दी कि पाकिस्तान टीम वापस फर्स्ट पोजीशन पर आई सी और अज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने बारे जोड़े स्टैट्स लोग शेयर करने उन्होंने पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान जी इंग्लैंड सो 3-0 वाली सीरीज़ है वो अगर एनुअल जो अपडेट हो सी तो उसने वो सीरीज एनुअल सर्कल जो जरा साइकिल है उसने वो बाहर चली गया उस बाद पाकिस्तानी जोड़ा शायद दोबारा अच्छा और फिर पाकिस्तान जोड़ा 116 पाकिस्तान टीम ने पॉइंट्स है मेरिट पॉइंट्स और पाकिस्तान टीम सेकंड नंबर पर ही है और प्लेयर्स भी सारे लेकिन जी चीज़ अहमर जी गल है ना कि असा पाकिस्तान टीम ने फास्ट बॉलिंग अटैक दुनिया ना बेहतरीन बॉलिंग अटैक आ पेस बॉलिंग अटैक आ लेकिन असाने आले पेस बॉलर जे ना वो अपर आले टॉप रैंकिंग आईसीसी नी रैंकिंग उस तरह अपनी जगह बनाने कामयाब नहीं होए। अगर वो भी आ गए फिर डेफिनेटली बॉलरस बैट्समैन ऑलराउंडर सारे अगर टॉप रैंकिंग हो definitely then we can call it like top one ranked team of Pakistan. हाँ बिल्कुल असल जो एक perspective है भी है कि असा तक सो के असा ने जेडे फास्ट बॉलर है और एक तो वनडे क्रिकेट घट खेली होना एक तो यह भी वजह है कि क्योंकि ये जेडे फास्ट बॉलर लेट आए ये जी रैंकिंग होनी पिछों पॉइंट्स तो चलने रहने। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इमाम है इमाम हो गए बाबर हो गए अपना फखर हो गए ये पिछले चार चार पांच पांच सालों तू वनडे क्रिकेट खेलने पे ठीक हो गया जेडे तुसने फास्ट बॉलर है ये जिस एरा च आए हारिस हो गया शाइन हो गया उस वेले पाकिस्तान वनडे क्रिकेट बहुत घट करी सटी सी समझ रहे हो तो इन्होंने जी घट क्रिकेट नहीं वजह तो एक तो एक वजह है कि रैंकिंग ज्यादा अगे नहीं दूसरा वजह यह भी कि जो शाइन इंजर्ड रहे उन्हें बहुत सारी क्रिकेट मिस की हारिस रऊफ इतना रेगुलर पार्ट नहीं रहे वनडे क्रिकेट ना कुछ खेलने कदम नहीं खेलने तो वनडे क्रिकेट वाला सब तो घट खेलने पे तो कुछ ये वजूहत भी हैं कि इस वजह से असने कम से कम टॉप 10 विच कोई भी फास्ट बॉलर वो नहीं है तो यह भी एक वन ऑफ द रीजन। तो खैर बरा एक अच्छी गल है देखो असा की इंजॉय करना चाहिए हर वे इन नेगेटिव गल नहीं करनी चाहिए अगर नंबर वन रैंक अचीव किया तो अचीवमेंट है कोई शर्म वाली गल नहीं है ठीक है एक तो पहली गल है कि अचीवमेंट है लोगों ने यह ख्याल कि जी जो मोस्टली सीरीज जीतियां वो फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं सियां तो असा ना कसूर तो नहीं असा तो नहीं आके ना पाकिस्तान तो नहीं आके फुल स्ट्रेंथ साइड ना उसना की तो जड़ी साइड आसी उसना खेल सकना तो बहरहाल इन्हें की बीट किया था असा ये भी नहीं ख्याल रखने के फुल स्ट्रेंथ साइड आसी तो असा उन्हें की भी बीट कर बिल्कुल अहमर मैं एक गल आनी है जो सारे आने की फुल स्ट्रेंथ नहीं सी ए बी साइड सी हिस्ट्री विच ये लिखा गया कि पाकिस्तान बीट न्यूजीलैंड आफ्टर 12 ईयर्स 13 ईयर्स ये नहीं लिखन लगा ब्रैकेट के जी न्यूजीलैंड टीम से सी टीम आई सी या बी टीम आई सी जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान को चो आ रहा और कदे भी पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान चो सीरीज नहीं आ रही सी लेकिन आ रहे हूँ इसी बच्चे ये नहीं लिखा लगे ना कि इमाम पाकिस्तान टीम ने कप्तान की और फास्ट बॉलर्स की चेयरमैन पीसीबी जड़ाया और रेस्ट करवाया सा और उस बाद पाकिस्तान टीम अपनी बी टीम पे जिसी और अफगानिस्तान आ रहा सा ये बिल्कुल नहीं होने लगा हिस्ट्री बच्च वो हार या जीत उस तरह ही मैनशन हो सी उसने रीजन मैनशन नहीं होने लगियाँ रीजन मैनशन नहीं होने लगे। खैर बहरहाल अगले गुफ्तगू कर रहे हैं जी अगले टॉपिक ऊपर जो बड़ा वन ऑफ द हॉट टॉपिक है अजकल एशिया कप 2023 जिसने मेजबानी पाकिस्तान ने कोल है लेकिन काफ़ी यानी कि तुसा पिछले त्रै चार महीने तक तो बहुत गलबात होनी पी कि भाई एशिया कप है उसी कदे कोई आखना पाकिस्तान च होसी कदे कोई बाद जाए कि नहीं पाकिस्तान नहीं होसी एक हाइब्रिड मॉडल ने भी तजवीज़ दी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान इंडिया जड़ा है वो अपने मैचेस यूएई खेड है तो बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होन उस बीच भी इंडिया आख्या कि नहीं भी कैटेगोरिकली कि असा ये जड़ा ना असा ना इंडिया जड़ा ना पाकिस्तान जड़ा ना बिल्कुल कोई मैच कबूल नहीं कि पाकिस्तान तो बाहर होना चाहिए। हूँ जे शॉ जे वो एसीसी ने यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी सदर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी हेड करने तो गल ये कि मुझे ये गल नहीं समझ आनी पी भाई इंडिया को मतलब क्लियर एक चीज़ नज़र आनी पी कि इतने एक तो गल है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेबस है उन्हें कि बेसिकली भारतीय गौरमेंट की तरफों जो क्लीयरेंस नहीं है इंस्ट्रक्शन है कि तुम नहीं खेलना पाकिस्तान तो दूसरा ये वे कि वो इतने अगेंस्ट है पाकिस्तानी क्रिकेट ने कि वो इस ऊपर भी राजी नहीं कि जी मैचेस उन्होंने यूएई विच वैन वो आखने के टोटली पाकिस्तान तो बाहर लेके जाओ मतलब
दुनिया खेडी पे आके ऑस्ट्रेलिया इधर आके खेडिया, इंग्लैंड इधर आके खेडिया, न्यूजीलैंड इधर आके खेडिया, वेस्ट इंडीज इधर आके खेडिया, बांग्लादेश इधर आके खेडिया, श्रीलंका इधर आके खेडिया, वर्ल्ड 11 टीम इथे आई, भाई तुसा कौन हो? यानी तुसा क्या है? तुसा ना मतलब है कि आईसीसी तुसा रेवेन्यू ज्यादा देने हो, तुसा आईसीसी ने बीच तुसा ने टॉप लेवल ऊपर लोग बैठे, तुसा रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड जो तुसा करसो वो मनमानी होसी, फिर ये करसो तो फिर क्रिकेट दुबई गची खेडन, लेकिन वो आने जी दुबई भी नहीं खेडना, या श्रीलंका या बांग्लादेश दुबई भी ऐसा नहीं खेडना। हां डेवलपमेंट चलनी पई के जी या तो दुबई विच भी यूएई विच भी क्रिकेट ना वे टूर्नामेंट, श्रीलंका वे या बांग्लादेश की इसकी मेजबानी करे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी लेटेस्ट खबर है भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सख्त स्टांस किया, जिस विच उन्होंने यह आख्या कि नहीं असा जो है पाकिस्तान लाजमी करा एशिया कप, यानी उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल ने तजवीज़ दी कि जिस विच लीग स्टेजिस ने मैचेस पाकिस्तान वैन, इंडिया ने मैचेस जो आउट ऑफ पाकिस्तान वैन, तो जी उस अलावा जो फाइनल स्टेजिस ने मैचेस है उस भावें पाकिस्तान तो बाहर लै जाओ, तो लेकिन यह भी कि पाकिस्तान इस मौके पर फिल वक्त डटिया कि नहीं असा एशिया कप जो पाकिस्तान करासा हर पर बिल्कुल अहमर जो गल आखने के जी दुबई बिच ना आवन क्योंकि उत्थे वैदर या सिचुएशन या, तो वर्ल्ड कप पिछली दफा भी एशिया कप जड़ा है दुबई बिच भी होया और ये कंडीशन सी जल्द श्रीलंका सू उधर शिफ्ट होया सा, तो उसे भी कंडीशन ही ऐसी हमेशा अगस्त अगस्त सितंबर ही चोना और कंडीशन ही ऐसी, और उस बाद बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड नाल माड़ी अपनी जी गल हुई उन्हें आख्या कि असा ना ये मूनसून सीजन असा होस्ट नहीं करी सकने। उस बाद श्रीलंका की भी जो आखने पैसे खबर आसन पैसे कि श्रीलंका जड़ा है वो होस्ट कर सी, उन्होंने भी आख्या कि असा होस्ट करने नहीं हाले तक जड़ा हामी नहीं भरी, और उत्थे भी माड़ी गल हुई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की दो बोर्ड आख्या कि असा इसने बिच इंट्रस्टिड नहीं है और असा इसने बारे कोई हामी नहीं भरी, तो फिर इंडिया इतने वसूख नाल मैंने किस तरह आखना पै कि श्रीलंका और बांग्लादेश ही होना चाहिए, असा पाकिस्तान विच भी नहीं खेलना, असा दुबई विच भी नहीं खेलना। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, देखो एक चीज तो एक पिक्चर क्लियर है कि इंडिया नहीं चाहना कि किसी तरह भी पाकिस्तान में क्रिकेट ग्रो करे, आगे फॉरवर्ड वे पाकिस्तानी क्रिकेट अगे अगे चाहे, उन्हें की इस चीज ने बड़ी प्रॉब्लम से टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रॉब्लम सा, ये सिर्फ पहला वाक्य नहीं मारिया कि जिस विच उन्होंने अपना टांग अड़ाई वे याद उसी कि जिस वे कश्मीर प्रीमियर लीग ने पहला सीजन सा उस वे उन्हें बहुत ज्यादा शोर मचाया सा, बहुत हर मुमकिन तरीका करने की कोशिश की थी कि ये लीग ना वे भाई, ये पार्ट ऑफ कश्मीर असाने कोल है, तो असा जिस कश्मीरी जो मर्जी कराई है भाई, तुसा कौन होने हो बिच इस रोक टोक करने वाले, क्रिकेट हो रही है ना उतना कोई मतलब वो नेगेटिव एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो उन्होंने उस ऊपर अपना शोर मचाया, अपना हर मुमकिन कोशिश की थी कि लीग ना वे, लेकिन वो लीग हुई तो कामयाब हुई तो वो चलनी पई। इसी तरीके हूँ जब ये सीरीज की गल होनी पी एशिया कप की गल होनी पी तो इस तरह कर सन, बाकी मैं तो आखना कि इंडिया नाकाबले ट्रस्ट है क्योंकि एतबार नाकाबल इस तरह से नहीं, तुसा याद उसी पुराना नजम सिटी ने 200 उसमें एमओयू साइन होया था कि हर साल या दो साल बाद एक बार पाकिस्तान इंडिया गए सी, तो एक बार इंडिया पाकिस्तान ऐसे बाद इंडिया आ गया था कि इसने कोई लीगल हैसियत नहीं है कोई बिल्कुल पेपर जड़ा ना, बिल्कुल अहमर उन्हें पाकिस्तान से याद होया उन्हें पाकिस्तान ने खिलाफ एक बिग थ्री भी शुरू किया था कि बिग थ्री जड़ा है वो सारे मैच खेल सन या जो कुछ भी मर्जी कर सन, उस बाद उन्हें बहुत कोशिश की थी पाकिस्तान ने, क्रिकेट भी पाकिस्तान से बाहर गई उन्हें अपनी लीग जड़ी होनी उसने भी पाकिस्तान ने प्लेयर्स उन्हें शामिल नहीं करवाए, पाकिस्तान ने क्रिकेट फिर भी उतना तक को पिछले जितने भी अरसे में पाकिस्तान बड़े इवेंट्स में सेमीफाइनल या फाइनल खेलने पे इंडिया ने टीम के करीब नजर नहीं उसने, बिल्कुल इस तरह खेलने पे देखो ना जी एक कुदरत ने असूल होना है अगर पैसे ऊपर, हालांकि इंडिया ने क्रिकेट वो बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट कराने अपने डोमेस्टिक लेवल ऊपर पैसा बड़ा इन्वॉल्व हुआ, बड़ी लीग कराने हो अपने क्रिकेट दुनिया ने सारे टॉप प्लेयर आके उन्होंने लीग खेलने, लेकिन तको के जिस तरह मारिया जिक्र किया सके जो आईसीसी ने इवेंट या बड़े इवेंट है उन्होंने फाइनल या सेमीफाइनल हार ही जाने जीत नहीं पा रहे, तो तको ये है कि जनाब जिस वे तुसा कि यानी सॉरी टू से नीयत साफ नहीं हो सकते एक एक निज़ाम ऊपर भी चलना है, तो बरल आईसीसी ना ये बड़ा शिकवा रहा है ना कि आईसीसी उस तरह की बॉडी नहीं है, मैं तकन आया कि दसा कि जिस तरह फीफा होनी कि प्रॉपर एक फेडरेशन होनी है, फेडरेशन नहीं है एक ये जस्ट लाइक एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो आईसीसी ने टूर्नामेंट करानी है, बाकी इसने कोई वक्त नहीं ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसको पैसा ज्यादा यानी इंडिया ज्यादा रेवेन्यू शेयर करना है तो इंडिया ने टोटली कमांड चलनी, जो आईसीसी ने इवन इवेंट्स होने उन्हें वेन्यू डिसाइड बीच भी इंडिया की कंफर्ट दिता जाना, कंडीशन हिसाब से भी इंडिया के कंफर्ट दिता जाना, पिचेस ने डिसाइड ऊपर भी इंडिया के कंफर्ट दिता जाना,
दुनिया भर ने जो टूर्नामेंट है उन्होंने स्केजुअल आईसीसी इवेंट की बिल्कुल कंफर्टेबल जो इंडिया के सूट करने हिसाब ने इस हिसाब न उन्होंने वो वेन्यूज वो शेड्यूल उन्होंने तय किया जाना तो इस तरीके अनफेयर तरीके स्पोर्ट्स का तो मकसद होना कि फेयर तरीके मुकाबला करो जिसनी बेटर स्ट्रैटेजी उसी जिसनी बेटर प्रिपरेशन उसी तैयारी उसी वो टीम जीतसी तो अपना कप उठा सी बिल्कुल अहमर गल की और याद हो वर्ल्ड कप भी दुबई में होया और एशिया कप भी दुबई में होया लेकिन बंगला इंडिया ने टीम शारजा में कोई मैच नहीं खेडनी इंडिया ने टीम या दुबई खेडनी या अबूधाबी खेडनी शारजा में उन्होंने कोई मैच ना एशिया कप में स्केजुअल होना ना जड़ाया वर्ल्ड कप स्केजुअल हो ऐसा जी बिल्कुल तो मैं देखो ना ये वो इंडिकेटर्स है कि जड़े ये दसने के जनाब अनफेयर प्ले है जी सारे की नजर आना पे तो हुन ये आखो के जी पैसे ने बेस उपर सो तक आईसीसी कितनी डोमिनेंस है हर दुई कमेटी ने चेयरमैन एक इंडियन है कहना मकसद ये इंडियन ये नहीं कि असा एक गल इस तां करने पे कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल एक इख्तलाफात होने इंडियन असा करने पे कि स्पोर्ट ना मकसद होना एक एक हौसला अफजा खेल होना एक 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 आख सकने कि सेहतमंद एक्टिविटी होनी है स्पोर्ट्स ताकि लोग तकन आए लोगों ने बड़ा पैशन है लेकिन तुसा सारे चीज़ा अपने हिसाब नाल करी तय एक अनफेयर एडवांटेज के नहीं तय अगर कोई टूर्नामेंट जीत भी जासो तो बड़ा ख्याल है कि वो रियल विक्ट्री माने रियल माने विक्ट्री मनी ने गई एक बड़ा नैगेटिव मैसेज ओवरऑल भी जाना बिल्कुल अहमर उस बात देखो हम मतलब पहले तो सिर्फ पाकिस्तान ही ची जड़े ना आवाज़ उठनी सी हूँ असा आने से ना कि जिसलै आईपीएल होनी तो उसलै बाकी सारिया टीमें उधर खेलनिया और जड़ी सीरीज होनी वो ए या बी टीम खेलनिया हूँ तुसें देखो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इवन दो जड़े इंग्लिश सहाफ़ी है जड़े ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी है वो इस चीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा गल करने पे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम उत्थे भेजी सी इंडियन कंडीशन ताकि सारे प्लेयर वर्ल्ड कप वास्ते सूटेबल कंडीशन खेड सन हम आहंगो सन लेकिन सारे न्यूजीलैंड ने प्लेयर जड़ा है उत्थे बेंच पर है उन्हें कि मैच 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 प्रैक्टिस नहीं मिलनी पी विलियमसन जड़ा इंजर्ड है वापस चले गए और उन्हें जी पाकिस्तान टीम भेजी सी वो भी सीरीज हारी चली गई और उस बाद उन्हें कि उत्थे जड़ा जिस मौके वास्ते उन्हें भेजे से प्लेयर्स कि उन्हें कि उत्थे मैच प्रैक्टिस होवे वो भी नहीं होनी मतलब हूँ सारे बोर्ड्स ने पर स्पेसिफिकली जो मीडिया आया उस बोर्ड ने स्पेसिफिक कंट्री ने उसने पर गल करने पे कि अनफेयर है कि और इस बाद दो या ढाई मतलब महीने ना एक इवेंट बहुत लंबा इवेंट है उसने ना भी प्लेयर जो फटीक ना शिकार भी होने हाँ जी हाँ बिल्कुल तो नाल ये भी एक चीज़ है कि असा तक कि असानी प्लेयर जी टीम मैनेजमेंट है वो शाहीन अफरीदी ने वर्कलोड उपर क्या काम करनी क्योंकि शाहीन अफरीदी अगर लगातार क्रिकेट खेलनी इंग्लैंड ने T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट है उस भी शाहीन साइन किया उसने अलावा उन्होंने 100 टूर्नामेंट होना वो भी साइन किया तो शाहीन ने जरा ओवरऑल स्पीड थोड़ी घट दी जिसी असा रीसेंट सीरीज जिस स्पीड ना पहले वो गेंद करने से हाई इन 140 फर्स्ट ओवर का खास तौर पर उतनी वो स्पीड नहीं सी तो आई होप कि शाहीन की थोड़ा रेस्ट मिल सी तो वो अपनी प्रॉपर यानी उस जोबन उपर रेसन जिस तरह वो इंजरी तो पहले से नाल ही जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले दिन डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जेडे नदीम खान है उन्होंने भी जरा अपने अहदे तो मुस्ताफिक हटाई सटिया तो वो अपने अहदे तो हटी गए नदीम खान याद रहे कि मोइन खान जेडे उन्होंने बड़े भाई है ये पाकिस्तान तो वनडे क्रिकेट खेल ही चुके लैफ्ट आर्म स्पिनर से तो डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकिन खैर इन्हें भी अपने टेन्योरी नदीम खान भी कोई अजा कम नहीं किया कि असं आखा कि नदीम खान ने बहुत आउटस्टैंडिंग खिदमात सर अंजाम दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हालांकि उन्होंने हटाया गया था मोइन खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज एक वीडियो पैगाम भी सोशल मीडिया पर तकिया उन्होंने नाराजगी ने इजहार किया कि किस तरह साइड उपर किया नदीम खान साहब की लेकिन बहरहाल जी असंत दुआ कर रहे हैं कि जी जो बंदा भी आवे वो आवे जो सब खेल नहीं बेहतरी कम करे तो खेल की अग है कि नहीं तो गचे तो करे तो ज्यादा चंगा उसी दोस्तों अज के प्रोग्राम असं डिफरेंट टॉपिक उपर गल की जिस पाकिस्तान ए टूर ऑफ जिम्बाबे पाकिस्तान अंडर 19 टूर ऑफ बांग्लादेश एशिया कप उपर गल की आईसीसी रैंकिंग उपर गल की होर डिफरेंट जी खबर सियाँ टॉपिक उपर गल की तो हूँ वक्त आया कि जनाब असा तुसा कोई इजाजत गिनसा तो जनाबे अली मैं सोना मेजबान अहमद जी माड़े को होस्ट मारिया राजपूत तो इन्हें कि तुसा इजाजत दियो प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग चो तो इंशाल्लाह अगली जुमेरात फिर तुसानी खिदमत हाजिर होसा अपना ख्याल रखे अल्लाह हाफिज़।